वीडियो काफी लंबा होने वाला है, अभी क्लियरली हमको आराम से कैंपर घोषित बैठ कर के देंगे। देखना। सही बता रहे हैं, हमको कैंपर घोषित कर देंगे। भाई क्या हालचाल है आपके? सब सही है? हमको गेस्ट न करना पड़ रहा है यहाँ पे, हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं अपने गेम और एक्शन का, तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट भाई लाइक करना अगर पसंद आए तो मेरी चाल। डॉपी भाई एक बात बताओ, अगर तुम यही चाहते हो कि सिर्फ हम रश करें, तुम बाहर ना हो, तो ये बता दो मेरे को भाई, तुम लिटरली एक बार बाहर नहीं आए हो। अच्छा आपका कोई YouTube चैनल इसको वोटेज तुम चैनल कुछ मैम है? बहुत सामने जाके नहीं खेल रहे हो आप लोग? थोड़ा या अपने लौंडे को हम बता रहे थे कि वो ये सही में सही लौंडा नहीं तो है, अपने इम्पोर्टेंट कैप जो है, अपने घर है उससे तो कैप बाहर नहीं आ रहा, इतना सामने आके कहा है खेल रहे हो बे? थोड़ा पॉइंट वाइट डालो, दिमाग लगाओ। ठीक है कोई बात भाई नहीं, हम बस फ्रेंडली दोनों को सोच के मानते खेले हैं, थे। गलत जब है। बात तब बिगड़ गई जब उन्होंने हमें हमारे गेम प्ले और दिमाग को थोड़ा कैंपिंग कैंपिंग बता दिया, जो कि हम बताया करते हैं, बताया मानता है। जो अगर ये अंदर से बाहर ना आए ये तो इसका कैंपिंग ना है, हमारा कैसा कंटिंग घर है? मैं कतई बहुत गुस्से में है इसलिए मैं वीडियो बना रहा है, बाहर में था भाई जाए यार, वन लक्ष, बी एट होना मेरे चाहिए था सब्सक्राइबर और का है मजा जीरो आता। हो जाए। वो तो है भाई, क्योंकि ई साले मैं जाके तो मेरे मस्त लिए, खेल अरे रहे थे। अच्छा दरबार को बोला ना, दरबार को, दरबार अच्छा साला ये यार नहीं चला, अच्छा नहीं चलाता है यार इतना। क्या M2 पर चलाता है क्या फिर? अबे आना तेरा भाई है ना यार, भी चलाएंगे यार। चले चले चले, चल ठीक, टू अभी मैच तो स्टार्ट होने वाला था, हम काफी जॉयफुल मोड में थे एकदम, मेरी गो यार राउंड यार की तरह, हो जाता है भाई, मगर हमारे पार्टनर के गाने में लग छुल वसाला वॉइस एक्सलेंट ऑफ करके वर्क। बैठा था, मगर कोई नहीं यार, फ्रेंडली तो मैच, चलिए चलो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। देखते हैं भाई, टीम मैच लेट्स गो। हाँ हाँ किस बात का हेल्प? अच्छा हाँ समझ गया, डैड है ना, तेरे साथ चले। ठीक है भाई चल। फॉर्म अप ऑन मी, यहाँ आप देख पा रहे होगे कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इसकी मूवमेंट गेस करने की, रीलोडिंग। मगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें चैलेंजिंग वाला मैच था, गलती से हम फ्रेंडली सोच द लिए ब्लू थे। टीम हैज अरे स्कोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। गुड गेम, उसको मारने ते लूटते आ जाते हैं भाई। हां क्या हुआ कि हम थोड़ा डैमेज देके साइड हो गए, अपना अपने लौंडे ने खत्म कर दिया, अब वेट करते हुए और एक लौंडे को वैसे ही खत्म किए। भाई यहाँ पे इतना प्री फायर पे पागल हो गए कि वो भूल गए कि साइड से पूरा स्टेडियम खाली है उनको मारने के लिए। यहाँ हमारे पार्टनर ने उनको काफी लो कर दिया था, और हमारी गलती ना है कि उनको उनके पार्टनर से कवर नहीं मिला यार। तो यहाँ हमें मालूम पड़ रहा है कि एक साइड लेफ्ट के साइड में दोनों लौंडे कैंप कर रहे, तो मैं कैसे लेफ्ट साइड में जाएगा? मैं राइट में फ्लैंक किया, देखा कि कहाँ सिचुएशन कैसा होगा, एंड जब इजीली फंदा फंस गया, मछली को हमने कांटा लगा के मारे हैं, वो भी टीममेट के हेल्प से। टीममेट्स आर इम्पोर्टेंट, इसलिए बोलते हैं कि भाई कैंपिंग भी इज्जत से किया कि जे कभी कभी लबड़े लाले लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम ही क्या हम मारने की कोशिश तो सामने चल किए। सामने चल सामने चल। अरे माँ दस चूत, नेड क्यों कर रहे हैं ये लोग? हमने तो नेड ना किया। अपना पांडु कोनो चलो काम कोई करना है, बात मैं नहीं, उसको कोई बोला भाई बात इज्जत से नहीं, थोड़ा फायरिंग दे, एकदम ही मरने चला गया फायरिंग करते करते। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा देखा कि कहाँ हो सकता है लौंडा, एकदम से एंगल लेके उसकी खोपड़ी खोले हैं, झूठ क्यों बोले, खोपड़ी खोले। हाँ भाई क्या मादर चूत। आपको भी लगा होगा ना हमने उन सामने वाले लौंडे को, ना बात नहीं कर रहा है ना सामने बोल रहा लौंडे है, को गाली नहीं दिए, अपने चूते टीममेट को गाली दी है जो माइक ऑफ बदमाश करके कुछ बिना बोले खेल रहा था। अंदर है यहाँ पे। Half of the match is over and the red team क्या is in फायदा the भाई, lead. इतने दिमाग का फायदा क्या है जब काम में ना आए? क्या जो कि आपने देखा कि हमने दोनों ही डैमेज बंदों को काफी डैमेज देके रखे थे, इसलिए हमारा थोड़ा सा टीममेट किसी को उनको क्या डैमेज आसानी से फिनिश करेगा, देंगे पहले एक और को एक ले को लिया मजा फिर इजी दूसरे को ले लिया, होगा। और ऐसे ही ऐसे गेम होता है गेम। बनते रहता है। सही है भाई, ये लोग आधे गेम में सीख रहे हैं कि पोजीशन भी लेना होता है, एकदम ही हमको काउंटर कॉर्नर कर लिए, अभी साला हम कैसे निपटे देखिए। जा रहा है इनको भाई फ्लैंकिंग बोलते हैं, सही बताइए इतना लंबा फ्लैंक कौन लेता है बे?
और हाँ कवर भी नहीं आया उनके लिए, तो मेरी गलती क्या है इसमें? एक बार फिर से इन दो टीममेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा और ये भैया अकेले फाइट लेने चले आए। उन भैया ने एक हमारे लौंडे को मार दिया, हमारा हेल्थ इतना लो था, हम दुख दुख कर रहे थे, मगर सामने आके मारने का वो नहीं था कि मार दे तो हाँ कुछ हो जाए। इनको हम जिगल जिगल दे खत्म कर ही रहे थे कि सामने से लौंडा भगता भगता आ रहा था, उसको कंफ्यूज किया मारा एंड देन वी आर कैंप पर अगेन। कैसा रे, कैसा 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 बताइए कैसा? आप बस लौंडे का फ्लैंकिंग देखना, एकदम घूम घूम के पीछे से आ रहा है। इतना लंबा फ्लैंक लेगा ना भाई तो हमारा पोजीशन चेंज हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कैसा खेलते हैं आप लोग सही बताइए? वो पीछे से आ रहा है। अगर आप मेरा मार वाला फ्लैंक टीडीएम में लोगे इतना बड़ा तो भाई पिटोगे ही ना। हमारी गलती ना है भाई, आपको लगता है हम कैंप पर हैं, आपको बस गेम सेंस नहीं है, हमारी गलती यो ना है। तो इसको भी देख कर ये आपको समझ नहीं आया कि इसको कैंपिंग बोल सकते नहीं बोल सकते, इसको पोजीशन लेना बोल सकते, डीपीपी लेना बोल सकते, बहुत कुछ बोल सकते, मगर आपने चूज किया कि हमें आप टारगेट कीजिए और कैंप पर बोल दिया। हाँ कैंप पर है, हम प्राउड टू बी कैंप पर। ले आप जरा देख के खुद डिसाइड करना। मेरी बात सुनो, मैं एंगल की बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर तुम ऐसा बोलो ना, तुम टैप दे रहे हो ना, तुम बाहर आ रहे हो, ऐसे अगर तुम फाइट लेते हो तो तुम भाई बढ़िया प्लेयर बनोगे भाई। अगर आप भी 2v2 के फाइट में टैप फायरिंग करते हो, कांग्रेस, आप चूतिए हो। दूसरा बंदा क्या कर रहा था, आपका मुठ मारा था बहनचोद, बोल नहीं पा रहा कि पोजीशन ये है वो है, लौड़ा ना लेसन मेरा। तो इन शॉर्ट भाई, अगर सिनर्जी ना हो तो ये सामने वाले बंदे की कैसे गलती बन गई, आपकी सिनर्जी नहीं है तो।